इस पे मैंने डेट भी लिख दी थी, ये ब्रीडिंग सीजन में बहुत मैटर करता है। ये देखिए इसके अंदर। हे फैमिली, दिस इज सलमान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है एग कैंडलिंग के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्स की, अंडों की कैंडलिंग कैसे करते हैं, कैंडलिंग किसे कहते हैं, और हमारे लिए कैंडलिंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने बर्ड्स रखी हैं और अगर आप बर्ड्स के शौकीन हैं, आप बिगनर हैं, आपको बर्ड्स पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपका टाइम बचेगा, ब्रीडिंग सीजन में आपको क्लर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो करें, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। और अगर आप कुछ पेट्स में परचेज करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं लीगल पेट्स में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एग कैंडलिंग किसे कहते हैं? एग कैंडलिंग कहते हैं अंडों को चेक करना। अगर हमने बर्ड रखी हुई है और बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं, एग्स ले किए हुए हैं, तो अंडे खराब हैं या अंडे में बच्चा बन रहा है, अंडा सही है या नहीं सही है, उसे हम चेक करके पता करते हैं कि हाँ अंडा फर्टाइल होगा या अनफर्टाइल होगा या डेड इन शेल हो गया है। इसको कहते हैं एग कैंडलिंग करना, अंडे को चेक करना लाइट से कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि जब मैंने भी बर्ड्स रखना शुरू करी थी तो मुझे भी नहीं पता था। इसमें हमारा टाइम बहुत ख़राब होता है, क्योंकि सीज़न जो होता है वो कुछ लिमिटेड मंथ के लिए वैलिड रहता है कि हाँ सितंबर से शुरू होता है और फेब मार्च तक ख़त्म हो जाता है। तो एक बर्ड्स ने अंडे दिए, उसको फर्टाइल होने में टाइम लगता है, फिर उसमें से बच्चा हैच होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो एक लंबा टाइम होता है इस चीज़ का। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि जब बर्ड्स या कॉकटेल लव बर्ड्स बजीज ये सब अंडे देते हैं या कनूर अंडे देते हैं, तो ये जब अंडे देते हैं उस अंडे की डेट से 21 दिन के अंदर बच्चा हैच होके बाहर निकलता है अंडे से। लेकिन उस 21 दिन के अंदर हमें ये देखना होता है कि हाँ वो अंडा फर्टाइल है कि नहीं है। अगर फर्टाइल है तब तो हम 21 दिन वेट भी करें, अगर फर्टाइल नहीं है तो वो अंडा हमने हटा दिया, पेड़ को फ्री कर दिया और पेड़ ने दोबारा ब्रीड कर ली, इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो कनूर, कॉकटेल, लवबर्ड्स, बजीज, इन सब का टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये जैसे ही मैट करते हैं, मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद जैसे आज इन्होंने मैटिंग कर ली और 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उन्होंने एग ले कर दिया। अगर नया पेड़ है और पुराना पेड़ है तो और जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही वो अंडे रख देता है। फिर वो अंडे रखता है तो अंडे रखने के बाद 21 दिन का टाइम होता है बच्चों का हैच करने का, कि वो बच्चा बनता है, फिर वो हैच होता है, फिर वो बड़ा होने में उसको टाइम लगता है, सेल्फ खाना खाने में उसके माँ बाप उसको पालते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और लाइफ में आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबी होगी तो प्लीज़ वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप शेयर करिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको बर्ड्स पसंद है उनको आप दिखाइएगा और अपना लव सपोर्ट ऐसे ही करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग कैंडलिंग की जाती है, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, डाउट्स हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं, ये मेरा बर्ड सेटअप है और इसमें से कुछ पेयर ने मेरी ब्रीड कर रखी है, जिन्होंने जैसे ये कॉकटेल का पेयर देख रहे हैं, कोका पहले भी बता चुका हूँ, टीम पेयर है मेरा और इसने फिर से ब्रीड कर रखी है। तो इसने अभी रिसेंट एग दी है, मैं इसके भी एग दिखाऊंगा। बाकी इसमें मेरा एक लवबर्ड का पेयर है, आप देख सकते हो वॉयलेट का, इसने भी अंडे दे रखे हैं, इसका भी दिखाऊंगा। बाकी मेरा एक ये होंगरमो का पेयर है, इसने भी अंडे दे रखे हैं, इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे चेक करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 दिन का टाइम होता है बच्चे हैच होने में, बच्चे निकलने में अंडों में से, तो कुछ पेयर होते हैं जो पहला अंडा देते हैं तभी से वो एग को इनक्यूबेट करना शुरू कर देते हैं, और कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो पूरे अंडे ले कर लेते हैं, जैसे 4 देना तो पूरे 4 अंडे उन्होंने दे दिए, उसके बाद ही वो इनक्यूबेट करते हैं एग्स को। और कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि पहला ही उन्होंने एग दिया और देने के बाद तुरंत इनक्यूबेशन शुरू कर दी।
जिसको हम कहें तो अंडे को सेकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने अगर देख लिया हाँ कि उसने पहले दिन से एग को इनक्यूबेट करना शुरू कर दिया है, तो आप 21 दिन का रेशियो रखिए, या फिर उसने 4 अंडे दिए उसके बाद से वो इनक्यूबेट कर रहा है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर इस वीडियो से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे किया जाता है और आप करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं अंडे चेक। तो फैमिली देखिए, मैंने अभी ये टॉर्च ले ली है, ऐसी आपको एक टॉर्च चाहिए होगी, ये भी बड़ी टॉर्च है, अगर इससे छोटी टॉर्च आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है, और ये ऐसे जल जाती है और कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। इससे छोटी पतली टॉर्च मिल जाए तो वेल एंड गुड है, या फिर बहुत सारे पेट शॉप पे भी अवेलेबल रहती है, अच्छी पेट शॉप पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने लाइट ऑफ कर दी है ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये हमने बॉक्स ओपन कर लिया और देखिए फीमेल बैठी हुई है और ये रहे एग्स, अगर आपको दिख रहे हों ये देखिए, तो ये भी रिसेंट के एग हैं, इस पर मैंने डेट भी लिख दी थी, 26 के ये नवंबर के एग्स हैं और ये फीमेल बाहर आ रही है। अभी मैं फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे अंडे चेक किए जाते हैं। तो अगर आप देखिए 1 मिनट, ये एक्स हैं और ये एक्स पे जब हम लाइट रखेंगे तो इसके अंदर पूरा येलो येलो दिखेगा। 1 मिनट देखिए, अगर मैं एक्स पे टॉर्च रखता हूँ तो एकदम येलो येलो आपको दिख रहा होगा अंडा, अगर आप देखें सही से, ये देखिए, तो ये एक्स एकदम आपको येलो येलो दिख रहा होगा, देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी आपको रेडनेस नहीं दिख रही है, बिकॉज ये अभी न्यू एग है इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आज बर्ड ने एग दिया तो उसको कम से कम 10 दिन, आप 10 दिन के बाद चेक करें, अंडे को चेक करना है 10 दिन के बाद, एग जो कैंडलिंग करनी है हमें वो 10 तारीख के बाद करनी है, तब हमें उसके अंदर अगर रेडनेस दिख रही है तो मीन्स वो फर्टाइल है, नहीं दिख रहा है तो वो अनफर्टाइल है, या फिर काला अंडा दिख रहा है उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो डेड इन शेल है। बेबी मैं आपको दिखाऊंगा अभी डेड इन शेल वाले एग्स कैसे होते हैं। अब ये मेरे जो कोका मेरा टेम पेयर है उसके 4 अंडे थे और चारों के चारों फर्टाइल थे लेकिन अनफर्टाइल हो गए, डेड इन शेल हो गए। उसका रीज़न ये है कि ह्यूमिडिटी ये ब्रीडिंग सीजन में बहुत मैटर करती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक मीटर भी लगा रखा है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बता रहा है, टेम्परेचर है 21 और ह्यूमिडिटी है 70, तो ये 70 जो ह्यूमिडिटी है ये थोड़ी ज़्यादा है, परफेक्ट जो मानी जाती है 50,000 ह्यूमिडिटी मानी जाती है, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो भी हमारे एग्स को नुकसान होता है, डेड इन शेल हो जाते हैं, और कम होता है तो भी डेड इन शेल हो जाते हैं, अंडे खराब हो जाते हैं, तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ कि डेड इन शेल एग्स कैसे दिखते हैं। देखिए ये अंडा जो है ये डेड इन शेल एग है, ये देख रहे हैं, इसके अंदर कोई आपको गंदा सा अंडा दिख रहा होगा, अंदर से डर्टी डर्टी दिख रहा होगा, मीन्स ये एग्स खराब है। ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये एग्स ख़राब है, ये देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक सिर्फ येलो येलो दिख रहा है, मीन्स ये भी एग ख़राब है। ये देखिए ये देख रहे हैं ये सारे एग, अगर मैं दिखाऊं इसके ऊपर लेके आपको, ये देख रहे हैं ये एग्स खराब है। ठीक है, ये गंदा संदा दिख रहा है बहुत क्लियर, अगर शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये देखिए ये एग्स खराब है, तो ये डेड इन शेल एग हैं, डेड इन शेल हो गए हैं, ये देखिए देख रहे हैं ये, तो ये खराब अंडे हो गए हैं। आप ऐसे चेक करके अंडों से पता कर सकते हैं, और कोशिश आप ये करिए कि जो बर्ड्स है उसके एग्स जो हैं, तो
तो जब आप चेक करिए तो एग्स पे हाथ मत लगाइए, बिकॉज हमारे हाथ में जो जैसे पसीना होता है, स्मेल होता है, और अंडे जो होते हैं, एग्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, गैप होते हैं, जिससे बच्चे को अंडे के अंदर सांस मिलती है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि बस हमने बॉक्स खोला और बॉक्स खोल के ऐसे टॉर्च लगा के देख लिया, वो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। अब मैं आपको फर्टाइल एग दिखाता हूँ कि फर्टाइल एग कैसे कहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा अंडा सही है कि नहीं सही है। और अंडा जैसे आज आपके बोर्ड ने दे दिया अंडा, तो उसको कम से कम 10-11 दिन के बाद चेक करिए, अगर वो ख़राब होगा तो 10-11 दिन आपके बच जाएंगे, और अच्छा होगा तो फिर उसको ऐसे छोड़ दीजिए, वो ब्रीड बच्चे निकल आएंगे उसमें से। और ये मेरा जो लवबर्ड्स का पेयर है जिसने ब्रीड कर रखी है, तो उसका मैं फर्टाइल एग दिखा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 3-4 दिन के अंदर बच्चा हैच होने वाला है, वो भी मैं एग दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मैंने दो बॉक्स के अंदर हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने इसके दो एग्स ले लिए हैं, और ये दोनों मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन फर्टाइल है और किस में से 3-4 दिन में बच्चा निकलेगा आपको, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्लैश बंद कर लेते हैं। देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये देख रहे हैं, अगर आप देखिए इसके अंदर ध्यान से, तो ये आपको रेडनेस दिख रही होगी एग्स के अंदर, और नसें दिख रही होंगी, ये देख रहे हैं, इसके अंदर नसें दिख रही हैं आपको और रेडनेस दिख रही है आपको, तो ये फर्टाइल एग है, ठीक है। और अब ये जो दूसरा अंडा है, ये देखिए इसके अंदर भी आपको रेडनेस दिख रही है, नसें दिख रही हैं, लेकिन ये थोड़ा डार्क है, इसमें आपको ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको ये देखिए ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिख रहा होगा, मतलब ये 4-5 दिन के अंदर बच्चा इसके अंदर से हैच हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। तो ऐसे हम अंडे चेक करते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है और हमें पता होता है कि किसका अंडा सही है, किसका अंडा ख़राब है, और हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।